भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा, ये भारतीय मीडिया और पाकिस्तान मीडिया पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो इसमें क्या हकीकत है भाई? कुछ तो ख्याल करो, काफी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम को कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्टिंग के लिए मिला है, तो इसमें हकीकत क्या है वो सारी हम आपको बताएंगे। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता, क्या ये जो श्रीलंका वाली खबरें हैं गर्दिश कर रही है, श्रीलंका या शारजा होस्ट करेगा इंडिया को, तो इसमें क्या हकीकत? जबकि मैचेस भी तय हो चुके हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, और इंडिया ने जो है वो अपने तमाम के तमाम मैचेस लाहौर में खेलने हैं, और फाइनल जो है वो आगे तय होगा कि अगर वो अगर जाएंगे तो खेलेंगे, अगर नहीं तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी, घर वापस चले जाएंगे। तो इसमें सारी खबरें जो है वो, इसमें सदाकत क्या है वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपने भी इस पर कमेंट जरूर करना है कि क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, और क्या भारत ये टूर्नामेंट स्किप कर सकता है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन है, क्या वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलना चाहेगा? लेकिन नहीं यार, इसमें जो फैंस जो रगड़ा पी रहे हैं ना, उसमें समझने वाली थोड़ा सा बात है। किसी चैनल पर यह खबर आ जाती है, किसी पर यह आ जाती है कि भारत आ रहा है, कभी कहा जाता है कि भारत नहीं आ रहा, कभी कहा जाता है कि भारत ने कहा कि वो श्रीलंका आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस वाले से हम आपको बताते चलेंगे, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माबेन जुलाई इसी महीने के आखिर में एक मीटिंग होनी है, जिसमें तमाम तर चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी काफी हद तक। जबकि अब तक की खबरों में क्या हकीकत है वो आपको बताएंगे। अभी तक भारतीय मीडिया ने जो खबरें चलाई हैं या पाकिस्तान मीडिया ने कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो इस पर अभी दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं बीसीसीआई और पीसीबी वो खामोश हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ये तमाम खबरें जो इस वक्त मीडिया पर चल रही हैं कि भारत जो है वो अपने मैच श्रीलंका या शारजा में खेलेगा, तो इस हवाले से हकीकत में कुछ भी नहीं है, ना ही बीसीसीआई ने क्लियर किया है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जबकि आईसीसी ने सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो इंडिया कहेगा या जो पाकिस्तान कहेगा वो ही होगा, ये आईसीसी तय करता है शेड्यूल भी, मैचेस भी और वेन्यूज भी। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने हाथ फैलाया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई, नहीं, जबकि खुद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है कि किस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो कौन से कंट्रीज को देनी है। काफी अरसे के बाद, वेटिंग करने के बाद पाकिस्तान को ये कोई आईसीसी का एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो अब होस्टिंग के लिए मिलने जा रहा है। इससे पहले 2023 वर्ल्ड कप जो है कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की शराकत होगी इंडिया के साथ, है नहीं, उसमें भी श्रीलंका और इंडिया ने होस्टिंग की, जो अब पाकिस्तान है होस्टिंग करने जा रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इसमें जाहिर है तमाम बड़ी टीमों को आना ही पड़ेगा क्योंकि 8 मुल्क इसमें खेलने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें हैं, 2 ग्रुप्स तश्कील हो चुके हैं और इसमें सिर्फ मसला इंडिया को आ रहा है, तो शायद इंडिया को भी पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा। इसमें कोई जवाब वो नहीं पेश कर पाएंगे कि जिसकी वजह से वो अपने मैचेस जो है वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करा पाए। तो आपने भी कमेंट जरूर करना है कि भारत क्या पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगा या नहीं, और मजीद इस तरह की वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।